के बीच हमास के लड़ाकों ने जोरदार पलटवार किया। हमास के हमलों से दक्षिणी इसराइल के कई इलाकों में दहशत फैल गई। हमास ने दक्षिण इसराइल में एक साथ कई रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद गाजा इसराइल बॉर्डर पर हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। गाजा से हमास को मिटाने के लिए इसराइल ने हवाई हमले कर दिए हैं तेज। इसराइल ने ताबड़तोड़ हमलों में हमास के करीब 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। तो गाजा में हमास के ठिकानों पर इसराइल का हमला लगातार जारी है। इसराइल ने हमास के आतंकियों को मार गिराने का ये बड़ा दावा किया है। देखिए, 20 से ज्यादा हमास के आतंकियों के मरने का दावा है और खबरों के मुताबिक गाजा में हमास के आतंंकियों के साथ इसराइल के जवानों की लड़ाई और जिसके बाद हमास के आतंकी एक इमारत में छिप गए और जिसके बाद विमान पर इमारत से हमला किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि बताया जा रहा है कि इस हमले में 20 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विध्वंसक युद्ध इस वक्त जहां पर चल रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। युद्ध के मैदान से ये खतरनाक तस्वीरें सामने आई है। एक के बाद एक टारगेट करके उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाद रॉकेट दागे जा रहे हैं। अब तो ग्राउंड ऑपरेशन भी वहां पर शुरू हो चुका है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि आखिर इसराइल की तरफ से किस तरीके से रणनीति जो है वो बनाई गई है। सटीक निशाना देखकर जहां पर हिजबुल्ला के आतंकी छिपे हुए हैं वहां पर लगातार ताबड़तोड़े हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान के सरहदीय इलाके में हमला किया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हिजबुल्ला के ठिकाने नष्ट करने का दावा एक बार फिर से किया गया है। गाजा के साथ लेबनान सीमा पर भी इस वक्त भीषण जंग जारी है। दावा ये है कि इसराइल ने हिजबुल्ला के एक बार फिर से ठिकानों पर हमला कर दिया है। तो लेबनान के सरहदीय इलाके वो हैं जहां पर ये हमला किया गया है और ये बताया जा रहा था कि दरअसल ये जो सरहदीय इलाके हैं यहां पर हिजबुल्ला के आतंकवादी जो हैं वो अपना बसेरा बसाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में हिजबुल्ला ने हमले तेज करने की धमकी दे दी है। हिजबुल्ला ने कहा है कि वार का पलटवार सख्त तरीके से किया जाएगा और हिजबुल्ला जब जंग में कूद चुका है तो इसराइल भी अपने कदम अब पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इसराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इसराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इसराइल लगातार बना रहा है। क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्ला का गढ़ है और हिजबुल्ला अलग अलग जगहों से इन्हीं जंगली इलाकों से छिप कर इसराइल पर हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्ला ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबह सुबह, अभी मैं आपको बताऊं, अगर लेबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब 7:45 का वक्त यहां पर हुआ है। दिन भी सही से नहीं निकला है लेकिन सुबह ही अटैक कर दिया है इसराइल ने, क्योंकि लगातार जो इसराइल है वो हिजबुल्ला को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन दो मोर्चों पर बड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन अब आप देखिए तस्वीर, ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर। क्योंकि जो इसराइल था वो हमले ज़रूर कर रहा था लेकिन इतने बड़े स्केल पर अटैक नहीं किया था। अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। अगर हम कैमरा जूम करके तस्वीरें दिखाना चाहें, क्योंकि ये भूमध्य सागर के ऊपर भी आप देखेंगे तो धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और ये जो पूरी एक ग्रीन बेल्ट है वहीं दरअसल पीछे की तरफ इसराइल है। ये पूरा जो इलाका है करीब 122 किलोमीटर का सरहदी इलाका, ये पूरा हमले की जद में है और लगातार हिजबुल्ला और इसराइल एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और अब इसराइल ने जो लेबनान का इलाका है वहां पर अटैक किया। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी आग की लपटें हमें दिखाई दे रही हैं। सुबह सुबह ही ये अटैक किया गया। आमतौर पर ये कहा जाता है कि सुबह के टाइम अटैक नहीं होता है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं तो आमतौर पर ये तस्वीर नहीं दिखाई देती। अटैक किया इसराइल की तरफ से और हम जब यहाँ मौजूद थे अब से थोड़ी देर पहले तो हमें लगातार धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसराइल को दो मोर्चों पर बड़ी चुनौती मिल रही है। एक तरफ गाजा में उसे हमास का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ लेबनान में उसे
हिजबुल्ला का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ताज़ा तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया अपने कैमरे पर दिखा रहा है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। न्यूज़ 18 इंडिया हर मोर्चे से युद्ध की तस्वीर दिखा रहा है, लगातार ये धुआं उठते ही जा रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण इसका करना चाहें तो एक बहुत बड़े हिस्से में ये अटैक किया गया है, क्योंकि कल भी हम जिस जगह पर गए थे वहाँ पर कई ऐसी जगह हमें नज़र आई जहाँ जो खेत खलियान और जंगली इलाके थे उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि उनसे छिपकर ये आशंका इसराइल को कि उनसे छिपकर वहाँ से हिजबुल्ला के लड़ाके होते हैं और उनको वो इसराइल पर अटैक करते हैं, लिहाजा उस पूरी संभावना को इसराइल ख़त्म कर देना चाहता है। तो बड़े प्लान पर इसराइल काम कर रहा है और उसकी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहा है कि आखिर देखिए कि किस तरीके से इसराइल और लेबनान का हिजबुल्ला आपस में भीषण जंग चल रही है इन दोनों के बीच, जहां एक तरफ गाज़ा में इसराइल को चुनौती मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला उसको चुनौती दे रहा है। लगातार हिजबुल्ला की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और अब इसराइल की तरफ से यहाँ अटैक किया जाता है। देखिए जब आप सरहद के इलाकों में होते हैं तो वहाँ पर लगातार इसराइल निगरानी करता है, ड्रोन के जरिए निगरानी करता है, हमने खुद वो ड्रोन की जो आवाज है वो उन इलाकों में सुनी। इसराइल ने ठान ली है कि गाजा को तबाह कर देगा और हमास का नामोनिशान मिटा देगा। गाजा में हमास के ठिकानों पर इसराइल का हमला जारी है। इसराइल ने हमास के आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, 20 से ज्यादा हमास के आतंकियों के मारने का दावा। खबरों के मुताबिक गाजा में हमास के आतंकियों के साथ इसराइल के जवानों की लड़ाई हुई और उसके बाद हमास के आतंकी एक इमारत में जाकर छिप गए, जिसके बाद विमान पर इमारत से अटैक किया गया और इस हमले में 20 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे गए हैं। आपको बताएं कि इसराइल ने पहले टारगेट किया और उसके बाद जब हमास के आतंकियों ने बचने की कोशिश की और एक इमारत में घुसकर छिपने की कोशिश हुई, उसके बाद विमान से अटैक किया गया उन पर और 20 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से इजराइल के लोगों को अब डर लग रहा है कि हमास के कब्जे में उनके अपने लोगों पर खतरा हो सकता है और इसीलिए इजराइल के बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। उन्हें घर वापस लाइए अभी, दे टुक किड्स होस्टेज, बच्चों को भी उन्होंने बंधक बनाया, इस तरह के संदेशों के साथ यहाँ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बंधक बनाए गए लोग हैं उन्हें सरकार छुड़ाए। 229 की अभी संख्या है बंधकों की। हम इस वक्त मौजूद हैं तेल अवीव म्यूजियम में और हर अलग अलग तरीके से यहां उनकी याद में प्रतीकात्मक तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने तेल अवीव म्यूजियम के एक बड़े कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हर जगह उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जो अपने परिवार से इस वक्त दूर हैं, परिवार के बीच नहीं है। ये संदेश लिखा गया ज्यादातर हिब्रूज में है, ज्यादातर हिब्रूज में संदेश लिखे गए, यहाँ के मुख्य भाषा जो है हिब्रूज में है, इजरायली झंडे के बीच में। ब्रिंग बैक द होस्टेजेज, यहाँ देखिए ये एक संदेश लिखा है अंग्रेजी में, ब्रिंग बैक द होस्टेजेज, जो लोग अपनों के बीच में नहीं है। हिब्रूज में भी ज्यादातर का मायने या ये है कि जो लोग अपनों के बीच में नहीं है। इधर करम आप ज्यादा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वी आर वेटिंग, देखिए वहां लिखा है वी आर वेटिंग, उधर लिखा है ब्रिंग द होम, यहाँ लव इस्माइलिस के साथ उन याद में हिब्रूज इंग्लिश इजरायली झंडा, ये देखिए हर जगह आपको इजरायली झंडा दिखेगा और यहाँ बहुत जगह ज़्यादातर हिब्रूज में लिखे गए हैं और मैसेज यही है उनके लिए शुभकामनाएं, उनके लिए विशेष कि वो जल्दी घर लौटे। ये मिरर हैं, 229 लोगों की याद में मिरर हैं, यानी आईना है और इस तरह से इसका एक खास संदेश है प्रतीकात्मक तौर पे, चारों तरफ से तीन तरफ से ये मिरर है और जैसे जैसे बंधकों की संख्या बढ़ती जाती है एक एक मिरर जोड़ दिया जाता है, ये देखिए बार बार जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है जैसे जैसे संख्या बढ़ती है। और यहाँ सबसे पहले आपको दिखा दें यहाँ एक संदेश लिखा है हिब्रूज में, इसका मतलब ये है कि आप मिरर में जाइए देखिए आप भी हो सकते हैं, ये संदेश दिया गया है, वो हमला कहीं से हो लेकिन कोई भी हो सकता है बंधक, इस तरह का संदेश दिया गया है। और ये कहा गया कि आईना में देखिए, हम भी आते हैं यहाँ आईने में देखते, एक संदेश तो ये है जो वहाँ लिखा गया है। और ये देखिए इस तरह के किसी की तस्वीर यहाँ नहीं लगी है, खाली आईना जिस तरह का होता है मिरर होता है, कहा गया है अपील की गई कि खुद अपना चेहरा देखिए आप भी हो सकते हैं अगवा, उनकी पीड़ा को समझिए, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। 229 लोग हमास के चंगुल में है, बंधक बनाए गए हैं, आंकड़ा तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है लेकिन
जब इन आंकड़े के अंदर की तस्वीरों में जाएंगे, यानी जो लोग बंधक बनाए गए हैं उन तस्वीरों को देखेंगे, तो 2 साल से लेकर बुजुर्ग महिला पुरुष तमाम लोग हैं, युवा तो हैं ही। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं, सभी लोगों को लेकर संदेश भी लिखा गया, तमाम 229 लोगों की यहाँ तस्वीरें हैं। ये 26 साल की शानी है, अलमोग है, 21 साल के 34 साल के शेरोन है, कार्मेल है, रोमी है, तमर गोल्डनबर्ग है। इनमें से कुछ लोग बंधक बनाए गए और बहुत लोगों ने अपने आप को खो भी दिया। यहाँ मुझे लगता है ये दोनों दोस्त हैं। ये तस्वीर 48 वर्षीय ब्रिंग हर होम नाउ, नाउ पे बहुत जोर है, होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज एंड फोरम। 19 साल की नामा है, 8.5 साल की एला है, उनकी फैमिली की तरफ से ये तस्वीर लगाई गई है। 64 साल के केथ हैं, 68 साल की इफरत है, 2 साल की अवीव कार्ड एशर हैं, जो बच्चे भी हैं, बिल्कुल 2 साल के, 12 साल का एरेज। सबको लेकर मैसेज यही लिखा है, ब्रिंग देम होम नाउ। 3 साल की एविगल, देखिए कौन कौन से लोग बंधक बनाए गए हैं, कितने कम उम्र के, उसका अंदाजा यहाँ आपको तस्वीरों से लग जाएगा।